अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप भी ये चाहते हैं आपका जो चैनल है वो भी सर्चिंग में आए और उसके नीचे ना आपकी जो सारी वीडियोज़ हैं वो भी सर्चिंग में आए, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आपका चैनल जो है यूट्यूब सर्च करता है और कैसे आपके चैनल को सर्चिंग में लाया जाए और कैसे आपकी वीडियोज़ को भी सर्चिंग में लाया जाए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का प्रूफ दूंगा, क्योंकि भाई बिना प्रूफ के मैं कोई काम करता नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर ले जाऊँगा आपको, वहाँ पर आपको प्रूफ दिखाऊँगा कि एक दिन की वीडियो भी, अगर आप एक दिन भी हुआ है आपको वीडियो अपलोड किए हुए, तो वो भी वीडियो सर्चिंग में यूट्यूब पे आएगी ही आएगी 100%। मैं आपको ये प्रूफ देता हूँ कि आपकी भी वीडियो सर्चिंग में आएगी आएगी, और नहीं आएगी भाई तो कमेंट करके बोल देना यार नहीं आ रहा है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर दूंगा कि आप ऐसे ऐसे करो और फिर इसके बाद आपकी वीडियो पक्की आएगी सर्चिंग में। तो भाई बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करिएगा। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब बोलते हैं, वो मैं भी बोल देता हूँ, भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर पसंद आए तो। भाई लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भाई फॉलो कर दो। और इसके बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हो। सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद मैं यूट्यूब ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मेरा चैनल सर्चिंग में आता है या नहीं, और मेरी वीडियो सर्चिंग में आती है या नहीं। तो ये यहाँ पे यूट्यूब का होम पेज ओपन हो गया है, सर्च करके दिखा दूँ? नहीं भाई, पहले मैं दिखा देता हूँ वीडियो मैंने कब अपलोड की है। तो चलिए मैं माई चैनल पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद क्रिएटिव स्टूडियो में चला जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं क्रिएटिव स्टूडियो में भी आ गया हूँ, और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है, अभी दो दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, गुड न्यूज़ मोनेटाइजेशन इनेबल होने लगा है कॉपीराइट स्ट्राइक पे। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं जून 17 दिखा भी रहा है आपको, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो जियो डबल धमाका का ऑफ़र। भाई जियो वाले भी एकदम क्या क्या ऑफ़र निकाला करते हैं, वो भी वीडियो ज़्यादा पुरानी नहीं है, व्यूज़ भी आप देख लो तो 375 और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वीडियो सर्चिंग में मेरी आ रही है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे जब मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को, तो आपको उसमें सजेस्टेड वीडियोज़ में भी मेरी वीडियोज़ दिखाई देंगी। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना चैनल सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो क्या है वो आ रही है जो मैंने दो दिन पहले अपलोड की थी या नहीं। तो देखिए भाई लोग यहाँ पे 5330 रिज़ल्ट में सबसे ऊपर मेरा रिज़ल्ट आ रहा है, मेरा चैनल आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे 7 मंथ एगो मैंने एक फेसबुक की वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप देख पा रहे हो, तो चलो 7 मंथ हो गया वो तो दिखाएगा ही। और फिर उसके नीचे आप जो देख रहे हो 17 आवर एगो, वो भी वीडियो आपको दिख रही है जो मैंने वहाँ पे क्रिएटिव स्टूडियो में आपको दिखाई थी। उसके नीचे भाई अगर आपको मैं दिखा दूँ तो जियो डबल धमाका का ऑफ़र का भी वीडियो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जिसके अभी 19 व्यूज़ हैं और 3 दिन पहले मैंने अपलोड की है, ऊपर वाली भी 17 आवर पहले अपलोड की है। तो दोस्तों ये कैसे होता है, कैसे मैं अपनी वीडियोस को सर्चिंग में लेके आता हूँ एक ही दिन के अंदर, ये मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं समझाऊंगा बताऊंगा। तो भाई वीडियो को लाइक तो कर दो यार, कम से कम आप इतनी अच्छी ट्रिक लेके आए हो आपके लिए, तो भाई वीडियो को तो लाइक करना बनता है यार। भाई जितनी वीडियो आप देख लो सब मेरी ही आपको मिल जाएंगी नीचे। चलिए कैसे करता हूँ इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, लेकिन भाई इससे पहले मैं दिखा दूँ, ये तो हो गई 5330 रिज़ल्ट की बात। अब क्या मेरा जो चैनल है जब मैं उसे दूसरे तरीके से सर्च करता हूँ और सर्च रिज़ल्ट बढ़ जाता है, मतलब 5330 से ज़्यादा हो जाता है, तो भी क्या मेरी वीडियोस आएगी सजेस्टेड वाली? तो भाई यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 8,49,000 रिज़ल्ट में से भी मेरा चैनल जो है सबसे टॉप पे आ रहा है, और पहली वीडियो आपको वही दिख रही है जिसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं 1,00,000 व्यूज़। और उसके नीचे जो मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है 17 आवर एगो अपलोड की है, वो भी वीडियो भाई आप देख पा रहे हैं। तो यार अब कैसे मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, मेरा जो मतलब चैनल है, जब आपका भी चैनल अगर आप चाहते हो कि सर्च करो तो आपकी भी वीडियोस नीचे आ जाएं, वो भी ऐसी वीडियोस जो आप लेटेस्ट अपलोड करो, तो भाई इस वीडियो के साथ तो कम्प्लीटली बने रहना। ये तो प्रूफ था कि मैंने अपना चैनल सर्च करके आपको दिखा दिया कि मैं ऐसे करता हूँ, ये तो प्रूफ था। अब कैसे ये करता हूँ आने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक तो कर दो यार, और समझ में आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं। और मैं टेक्नोलॉजी की वीडियो में मैं रोज़ ना रोज़ तो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर अपलोड करूँगा ही करूँगा, तो भाई चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो। वीडियो यार लाइक नहीं करते हो भाई तुम लोग, यार वीडियो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता यार, वीडियो तो लाइक कर दिया करो कम से कम। तो भाई चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और आगे बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ जिससे मेरा वीडियो जो है ना वो सर्चिंग में आ जाता है। ये तो हो गया प्रूफ कि कैसे, मतलब मैंने दिखा दिया अपने चैनल में कैसे मेरी वीडियो सर्चिंग में आती है, बात ही कैसे है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हो ना तो उसी में 2-3 मिस्टेक ऐसी कर देते हो जैसे आपका जो चैनल है वो भी सर्चिंग में नहीं आता है, आपकी जो वीडियोज़ हैं वो भी सर्चिंग में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ, मैं पहली वीडियो अपनी उठा लेता हूँ जो मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड की है।
यहाँ पे मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैंने ध्यान रखा है, जिसकी वजह से मेरा ये जो वीडियो है ना वो सर्चिंग में आ गया है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आपको अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर अपने जो चैनल का नाम है वो रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे नीचे मैं जाके दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे चैनल का एक नाम पड़ा हुआ है। तो भाई यहाँ पे अपने चैनल का आपको ज़रूर से ज़रूर नाम रखना है। अगर आप अपने चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं रखते हो वीडियो के, तो बहुत मुश्किल होता है सर्च करना, और YouTube इन्हीं सब चीज़ों को देखता है तभी आपकी वीडियो को आपके चैनल के नीचे सर्च में डाल देता है। तो भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको नाम ज़रूर से ज़रूर देना है अपने चैनल का। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा एक ही वीडियो में नहीं करना है, आपको हर एक वीडियो में अपने चैनल का नाम देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी वीडियो 100% मैं कह सकता हूँ कि सर्चिंग में नहीं आएगी। और अगर आप ऐसा करते हो तो 100% मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपकी वीडियो जो है ना वो सर्चिंग में आएगी। और भाई नहीं आएगी तो मैंने पहले ही बोल दिया, आप हमें कमेंट कर दो, मैं आपको पक्का बता दूंगा कि कैसे अपनी वीडियो को सर्चिंग में लाओ, ठीक भाई। और अगर सर्चिंग में आएगी तो आप लोग तो जानते ही हो, इतने समझदार हो कि सर्चिंग में आने वाली वीडियो तो पक्का ही पक्का चलती बहुत ज़्यादा है। तो भाई आप लोग तो देख रहे हो, यहाँ पे 2 दिन हुआ अभी वीडियो अपलोड किए और व्यूज़ भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, अभी 461 व्यूज़ हो गए हैं आप लोग की मेहरबानी से। तो भाई ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। और यहाँ पे आप दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना है, आप अपने टैग सेक्शन में अगर चले जाओ तो टैग सेक्शन में वहाँ पे भी आपको अपने चैनल का नाम ज़रूर से ज़रूर देना है। भाई दूसरे चैनल का नाम नहीं देना है, तो दूसरे चैनल का अगर नाम दोगे, बहुत से क्रिएटर्स मैंने देखा है कहते हैं कि दूसरे चैनल का नाम दे दो, लेकिन भाई वो बहुत गलत है, आपको स्ट्राइक मिल सकती है कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक। लेकिन हाँ दोस्तों, आप अपने वीडियो को फेमस करने के लिए दे सकते हो नाम, लेकिन अब गलत बात तो मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि स्ट्राइक भी मिल सकती है आपको इससे, इसलिए ऐसा मत करना भाई लोग। और टैग सेक्शन में आप अगर अपने चैनल का नाम दे दोगे तो आई एम 100% श्योर भाई आपका वीडियो ज़रूर से ज़रूर, जब आप अपना चैनल का नाम सर्च करोगे यूट्यूब, पक्का है आएगा ही आएगा। तो भाई जल्दी से ये सारी ट्रिक कर लो और फिर इसके बाद में फिर मुझे बताओ अपना एक्सपीरियंस कि क्या कुछ मतलब अंतर आया कि नहीं। भाई एक दिन में तो कुछ हो नहीं जाएगा, आप एक महीना तो कम से कम वेट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना बड़ा मतलब बदलाव करेंगे आप तो कम से कम एक महीना तो वेट करना पड़ेगा एडजस्ट होने में। और फिर इसके बाद एक महीने बाद मैं गारंटी देता हूँ कि जब भी आप वीडियो डालोगे एक दिन पुरानी होगी, अगर वीडियो 15-16 घंटे ही पुरानी होगी तो आपकी वीडियो जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करोगे तो 100% श्योर आएगी सर्चिंग में। और अगर नहीं आएगी तो भाई मैंने पहले ही बोल दिया ना यार, बता देना मुझसे। और भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।